What's up everybody? So today we are going to talk about very genuine problem. आपकी लाइफ में भी ये सब प्रॉब्लम्स आपने फेस की होगी, दैट इज हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. सी एक्चुअल में ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दिन भर काम करते हैं, स्टिल रात को जब एनालिसिस करते हैं तो हमको लगता है यार हमने कुछ किया ही नहीं, राइट? दिस इज द वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम. जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी जाता हूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सामने आते हैं. See, today I am going to give you two techniques. First of all, I am going to read question of that person जिन्होंने question पूछा है and उन्होंने बहुत genuinely अपनी problem को लिखा है. Let me read first and then we are going to talk about on these two techniques by which I can assure you your productivity will be double from the next day. So let me read question first. So question is, Hi sir, every night मैं बहुत प्रॉपरली प्लानिंग के साथ टू डू लिस्ट प्लान करता हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट जो नेक्स्ट डे मुझे करना है. अगले दिन एक्साइटमेंट के साथ मैं उसको करने भी लगता हूँ. दिन भर मैं अच्छे से काम करता भी हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, बहुत सारे ऐसे काम नहीं हुए जिससे कुछ आउटपुट आए, राइट? सो आगे वो लिखते हैं कि जबकि मैंने अपना एंटरटेनमेंट टाइम भी मैंने अपना बहुत ऑल्टर कर देता हूँ समटाइम्स और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ, स्टिल प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती. तो कैन यू गिव मी आइडिया हाउ आई कैन इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट? दैट्स ग्रेट, दैट्स कूल. एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. आज से कुछ इयर्स पहले जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मेरी भी एक सेम प्रॉब्लम थी कि आउटपुट नहीं आता था. बहुत बिजी होने के बाद भी उतना आउटपुट नहीं आ पाता था एनालिसिस में जब रात को करता था. आपकी भी ये प्रॉब्लम है? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई हैव ऑल्सो प्रोडक्टिविटी इशू. आई विल गिव यू टू टेक्निक्स हेयर जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बाई एनी वे, राइट? सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा इज वी कैन से अप्लाई 80-20 रूल्स. इसको पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं. वॉट इज इट? 80-20 रूल्स इज अपने होल डे का 80% टाइम एंड एनर्जी उन 20% कामों में लगाइए जिसके बाद आपका आउटपुट आने वाला है 100%. हम करते उल्टा हैं. हम 80% कामों में 20% एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. हमें 80% टाइम ऑन एनर्जी सिर्फ 20% जो आपकी टू डू लिस्ट में काम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टॉपमोस्ट प्रायोरिटी वाले काम है, उन पर आप अपना 80% टाइम ऑन एनर्जी स्पेंड करिए. आप रात को जब एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा खासा आउटपुट आज आया है. आपको वो रिग्रेट फीलिंग नहीं होगी कि आपका दिन पूरा वेस्ट हुआ, आप बिजी भी थे, स्टिल आप कुछ कर नहीं पाए. सो अप्लाई 80-20 फॉर्मूला, इट ऑलवेज वर्क्स. एंड सेकेंड, अप्लाई 3P कॉन्सेप्ट. व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर टू डू लिस्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू नीड टू डू इज अप्लाई 3P कॉन्सेप्ट. 3P कॉन्सेप्ट इज पी, फर्स्ट पी इज प्लानिंग, सेकेंड पी इज प्रायोरिटाइजेशन एंड थर्ड इज परफॉर्मिंग. वॉट डज दैट मीन? सी, फर्स्ट पी इज प्लानिंग. आपको कोई भी काम को इमीडिएटली पिक नहीं करना है और उठा के करना स्टार्ट नहीं करना है. अब इट विल टेक्स यू एनी वेयर, राइट? सो वॉट यू नीड टू डू इज आपको एक प्रॉपरली प्लान करना है कि मुझे अगले दिन या आज के दिन मुझे ये चीज़ें करनी है और इस पर्टिकुलर काम में भी मुझे ये पार्ट करना है कंप्लीट, राइट? प्लानिंग करने के बाद उसके बाद सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज प्रायोरिटाइजेशन. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होने का और आउटपुट नहीं आने का रीज़न होता है बिकॉज वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते अपने टास्क को. अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज कर लीजिए हर दिन के, हर वीक के, हर मंथ के, और उन प्रायोरिटाइज जो भी चाहे आप और उन जो भी आप टॉप 3 प्रायोरिटाइज कर रहे हैं उन टास्क को, उनको आपको कंप्लीट करना ही है. उसके अलावा बाकी सारे काम आपके हो पाते हैं या नहीं, कोशिश करिए आपकी जो टू डू लिस्ट है वो उतनी ही बनाइए जो आप कर पाएँ और उसको कंप्लीट करिए. बट यस, टॉप 3 काम जो आपने ऊपर लिखे हैं उनको चाहे सुनामी आ जाए आपको कंप्लीट करना है. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, सुनामी आएगी तो आप नहीं कर पाएंगे, बट यस दैट मीन्स आपको किसी भी हर्डल्स में आपको वो 3 काम कंप्लीट करने हैं, राइट? अगर आप ये प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजेशन एंड देन थर्ड इज परफॉर्मिंग एंड देन उसके बाद अप्लाई 80-20 रूल्स एंड परफॉर्म करिए उन्हीं टास्क को, डेफिनेटली अगर आप 80-20 रूल एंड 3P कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं
आई कैन इश्योर यू यू आर गोइंग टू यू नो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी जस्ट लाइक एनीथिंग. वन थिंग आई कैन टेल यू इन व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, टाइम में टाइम की एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है. टाइम इज फ्लाइज राइट एंड दिस इज बैड न्यूज एंड गुड न्यूज इज यू आर द पायलट ऑफ योर ओन टाइम राइट योर ओन प्लेन. सो आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है कि मुझे कैसे टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, मेरे को कैसे टास्क को प्रायोरिटाइज करना है. एंड यस 86,400 सेकेंड्स ही मिलते हैं हमको हर दिन, हर एक पर्सन को, हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन सबको 86,400 सेकेंड्स ही मिलते हैं. डिसाइड और मैटर ये करता है कि आप उसको कितना प्रोडक्टिविटी यूज कर रहे हैं. दैट मेक्स यू और दैट ब्रेक्स यू. सो मेक अ नोट हियर, 3P कॉन्सेप्ट एंड यू नो सेकेंड 80-20 रूल पैरेटो प्रिंसिपल, इनको अप्लाई करिए. एंड यस वन मोर थिंग विच आई नीड टू एड हियर इज अपने इंपॉर्टेंट काम को जब जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. बिकॉज जब एक रूल कहता है कि जब आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोकेस्टिनेट करते हैं या जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं, प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं सॉरी, दैट बिकम्स अर्जेंट. सो इम्पॉर्टेंट टास्क आपके अर्जेंट टास्क में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहे होते और आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे होते ऑन टाइम, देन दे बिकम अर्जेंट. तो इम्पॉर्टेंट टास्क बिकम अर्जेंट टास्क, और वी कैन से इम्पॉर्टेंट टास्क कन्वर्ट इन अर्जेंट टास्क व्हेन वी आर नॉट कंप्लीटिंग आर इम्पॉर्टेंट टास्क एट परफेक्ट टाइम राइट. सो अंडरस्टैंड, आपको ये बहुत थिन लाइन है, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को यू नो ये सोच रहे थे कि यार मेरे पास बहुत सारा काम है, बिकॉज दे आर अनऑर्गेनाइज्ड. सो ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है. 80-20 रूल अप्लाई करना ज़रूरी है, 3P कॉन्सेप्ट अप्लाई करना ज़रूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. सो दीज आर द थिंग्स विच ऑलवेज वर्क्स व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी. सो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं टॉक विद एवी शो के एक नए कुछ क्वेश्चन के साथ. आई होप आप लोग ये रूल्स और ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए. सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ. माय नेम इज अंकित विजय, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स एंड लीडरशिप एक्सपर्ट एंड स्टार्टअप एंड रिलेशनशिप कंसल्टेंट ऑन ए मिशन टू ट्रांसफॉर्म 40 करोड़ लाइव्स. बाय बाय, टेक केयर.